तो यह है मेरे पास पीट्रॉन की तरफ से आने वाला टेंजेंट बीट वायरलेस नेकबैंड, जिसे आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो। और यही तो आप इस वायरलेस नेकबैंड को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए आप इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे इस पीट्रॉन के वायरलेस नेकबैंड को, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर्स की भी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में। तो हमारा ये ब्लूटूथ नेकबैंड आता है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में। सामने की तरफ इसके मॉडल नेम को मेंशन किया गया है, और बॉक्स में पीछे की तरफ चले तो यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशंस और मेन फीचर्स को हाईलाइट किया गया है, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल में बात भी करेंगे। और उसके नीचे इसकी MRP को मेंशन किया गया है। तो MRP तो है इसकी 2499, पर आप इसे Amazon से ड्यूरिंग सेल टाइम पे 700 रुपये की प्राइस में परचेज कर सकते हो, और वैसे नॉर्मली आपको ये Amazon पर 800 रुपये की प्राइस में मिल जाएगा। तो चलिए अब जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और चलते हैं इसके इनबॉक्स कॉन्टेंट्स की तरफ। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है हमारा ये ब्लूटूथ नेकबैंड, और फर्स्ट इंप्रेशन में इसकी लुक्स और क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। अभी के लिए हम रखते हैं इसे साइड में और चलते हैं इसके बाकी कॉन्टेंट्स की तरफ। उसके बाद आपको देखने को मिल जाती है एक यूज़र मैनुअल, जिसमें आपको इस नेकबैंड को ऑपरेट और कनेक्ट करने की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और फिर आती है इस नेकबैंड को चार्ज करने के लिए एक microUSB केबल, और बॉक्स में आखिरी में हमें देखने को मिल जाते हैं ये रेड कलर के कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। तो हमें यही सब कुछ देखने को मिलता है इसके बॉक्स में। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने ब्लूटूथ नेकबैंड की तरफ, और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इसके फिजिकल ओवरव्यू की। तो हमारा ये ब्लूटूथ नेकबैंड आता है कुछ इस तरह के काफ़ी बढ़िया से ब्लैक और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में। वैसे अमेजोन पर आपको ये ब्लैक कलर या फिर ब्लैक और येलो के कॉम्बिनेशन में भी मिल जाएगा। इस वायरलेस नेकबैंड में इस तरफ आपको पीट्रॉन की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और ये तो हम इसके नेकबैंड की क्वालिटी की बात करें तो ये आती है कुछ इस तरह के काफ़ी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल से मटेरियल में, और इसकी क्वालिटी भी यार प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। अब हम इस नेकबैंड पर मिलने वाले फिजिकल बटन्स की ये तो हम बात करें तो यहाँ पर आपको 3 फिजिकल बटन्स देखने को मिल जाते हैं, जिनसे आप कॉल को पिक, रिजेक्ट या फिर रिडायल कर सकते हो, और या फिर इसी बीच वाले बटन को ये तो आप 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करोगे तो आप गूगल वॉइस असिस्टेंट को भी ट्रिगर कर सकते हो। और उसके अलावा आपको यहाँ पर वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए डेडिकेटेड कीज़ मिल जाएगी, जिनसे आप ट्रैक में नेक्स्ट या फिर प्रीवियस में भी जा सकते हो। यहाँ पर आपको इस तरफ इस नेकबैंड को चार्ज करने के लिए एक microUSB पोर्ट मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी कोई भी microUSB केबल को लगाकर इस नेकबैंड को चार्ज कर सकते हो। अब ईयरफोन्स पर मिलने वाली वायर्स की क्वालिटी की ये तो हम बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की एवरेज टाइप की वायर्स देखने को मिल जाती हैं, लेकिन वायर्स के जॉइंट का यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है। और उसके अलावा आपको यहाँ पर मेटेलिक टाइप के ईयरफोन्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैग्नेटिक है और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है। वैसे ओवरऑल इस नेकबैंड का जो वेट है वो सिर्फ 26 ग्राम्स का है। ईयरफोन्स जो है वो थोड़े से टिल्टेड है और ये आपके कानों में काफ़ी अच्छी तरह से फिट हो जाएंगे। और उसके अलावा इसके ईयरबड को ये तो मैं आपको उतार कर दिखाऊं तो अंदर की तरफ आपको कुछ इस तरह की ग्रिल देखने को मिल जाती है। यहाँ पर पीट्रॉन ने थोड़ी कॉस्ट कटिंग की हुई है और इसीलिए आपको यहाँ पर मेटेलिक ग्रिल देखने को नहीं मिलती। वैसे ओवरऑल जिस प्राइस रेंज में ये नेकबैंड हमें मिलता है उसके हिसाब से क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए अब बात करते हैं इस पर मिलने वाली साउंड क्वालिटी और इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी की। तो इनकी साउंड क्वालिटी को मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में टेस्ट किया था और मेरे हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी सही में काफ़ी बढ़िया है। और ये तो आप एक बेस लवर हो तो आपको डेफिनेटली इस नेकबैंड की साउंड क्वालिटी काफ़ी पसंद आएगी। और बेस और बीट्स का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर परफेक्ट है। इसमें आपको 10 mm के ड्राइवर्स मिल जाएंगे और वॉल्यूम ऑलमोस्ट फुल करने पर भी इसकी साउंड जो है आपके कानों में चुभेगी नहीं। तो चलिए अब हम इसके माइक्रोफोन को भी टेस्ट कर लेते हैं और मेरी अगली आवाज़ जो अब आप सुनोगे वो इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होगी। और ये वाली मेरी आवाज़ जो अब आप सुन रहे हो वो इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है और मेरे हिसाब से इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी और वायरलेस रेंज की। तो ये नेकबैंड आता है 110 mAh की बैटरी के साथ में, जो कि 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। और एक बार इसकी बैटरी फुल चार्ज होने पर आप इसे 6 घंटे तक म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हो या फिर आप इसे 7 घंटे की कॉलिंग कर सकते हो। और इसकी वायरलेस रेंज की तो हम बात करें तो इस पर आपको 10 मीटर की वायरलेस रेंज मिल जाती है। वैसे ये ब्लूटूथ नेकबैंड आता है ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी के साथ में। और उसके अलावा इस बजट नेकबैंड में आपको पैसिव नॉइज कैंसिलेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है और नॉइज कैंसिलेशन यार यहाँ पर ठीक ठाक से काम करती है। तो फ्रेंड्स आखिरी में मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि 700 रुपये की प्राइस रेंज में ये ब्लूटूथ नेकबैंड एक वैल्यू फॉर मनी डील है, क्योंकि एक तो इस ब्लूटूथ नेकबैंड पर आपको काफ़ी बढ़िया साउंड क्वालिटी मिल जाती है, दूसरा इस पर आपको इन ईयर कम्फर्ट भी काफ़ी बढ़िया मिलता है।
और मेरे हिसाब से ये तो आप बजट प्राइस में एक बढ़िया साउंड क्वालिटी वाला ब्लूटूथ नेकबैंड ढूंढ रहे हो तो फिर तो आपको डेफिनेटली इस पीट्रॉन टेंजेंट बीट की तरफ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।